दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी डिफेंस न्यूज़ के इस एपिसोड में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली डिफेंस अपडेट्स। बहुत समय से ये बात इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा था कि क्या अमेरिका भारत को F-35 एयरक्राफ्ट देगा, और इसे लेकर जनरल बिपिन रावत जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला था कि इंडिया को कभी भी यह टेक्नोलॉजी अमेरिका से ऑफर नहीं किया गया। और इस तरीके से जनरल बिपिन रावत ने इस अफवाह को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब लग रहा है कि जनरल बिपिन रावत की यह बात यूएस के थिंक टैंक ने सुन लिया है। इसे लेकर एक आर्टिकल भी छपा है पूरी डिटेल में, जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस समय अमेरिका के सांसद यह कहें कि अमेरिका के थिंक टैंक ने यह आशंका जताया है कि चाइना फिर से लद्दाख में पहले जैसा कुछ कर सकता है, जिसके बाद फुल फ्लेज वॉर होने की पूरी पूरी संभावना है। वहां के थिंक टैंक ने यह भी कहा कि अगर लद्दाख में ऐसा कुछ होता है तो उस माउंटेनियस रीजन में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जाहिर है चाइना अभी दो फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहा है, J-20 और J-31। अगर ऐसा होता है तो भारत मुश्किल में पड़ सकता है। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि भारत अब क्वाड का मेंबर है। ऐसे में अमेरिका के सांसदों ने यह भी कहा कि अमेरिका की अब पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है भारत को हेल्प करना, और भारत को F-35 मिलना चाहिए जिससे वह चाइना के खिलाफ और स्ट्रांग हो जाए। भारत के पास राफेल है, यह एयरक्राफ्ट भी बहुत शानदार है, लेकिन यह स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। दोस्तों जैसे रशिया को टैकल करने के लिए नेटो का गठन किया गया था, वैसे ही क्वैड चाइना को कंटेन करने के लिए भी बनाया गया है। और ऐसे में अगर इंडिया चाइना युद्ध होता है तो अमेरिका को फुल सपोर्ट करना ही पड़ेगा। हालांकि जो बाइडेन का इसे लेकर बहुत ही ढीला रवैया रहा है, लेकिन अमेरिका के सांसदों ने साफ साफ चेतावनी देते हुए जो बाइडेन को यह करने के लिए बोला है। अब अमेरिका में अगर सांसद मेजॉरिटी में कोई बात कहते हैं तो वहां के प्रेसिडेंट को उनकी बात माननी पड़ती है। वैसे भी अमेरिका का बस रशिया को नहीं कंटेन करना बल्कि चाइना के थ्रेट को भी टैकल करना है। अगर अमेरिका ऐसा नहीं कर पाया तो अमेरिका के प्रभुत्व खत्म होने में ज़्यादा देर नहीं लगेंगे, और अमेरिका को भी पता है कि वह यह काम अकेले नहीं कर सकता। तो ऑप्शन क्या है अमेरिका के पास? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वह है इंडिया। हालांकि S-400 को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद था, लेकिन भारत ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि S-400 भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। रशिया और चाइना मिलकर अमेरिका के प्रभुत्व को ख़त्म करना चाहते हैं इस दुनिया से। उधर यूक्रेन में रशिया चैलेंज कर रहा है, तो उधर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना ने छोटे छोटे कंट्रीज जैसे कि फिलीपींस, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया सबको परेशान किया हुआ है। इन सब देशों की निगाहें अब अमेरिका की तरफ है। अमेरिका को भी पता है कि इंडिया ही यह काम कर सकता है, और चाइना को कंटेन करने में इंडिया ही उनकी हेल्प कर सकता है, और अमेरिका की भी यह मजबूरी बन जाती है भारत को मिलिट्रली स्ट्रांग बनाना। अभी अमेरिका के ईरान से भी रिश्ते बहुत ही ख़राब है, ऐसे में इंडिया ही इस क्षेत्र में एक ऐसा अमेरिका का पार्टनर बन सकता है। भारत भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट AMCA के तहत बना रहा है अपना फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, लेकिन इसे तैयार होने में अभी बहुत वक्त लगेगा। मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि इंडिया ने अभी वक्त वक्त पर F-35 में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तुर्की भी अब रशिया और चाइना के साथ है, उस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया और F-35 प्रोग्राम से भी उसको बाहर निकाल दिया। तो अब अमेरिका को भी एक पार्टनर की ज़रूरत है। दोस्तों सिर्फ अमेरिका के सांसदों ने ही नहीं बल्कि जितने भी नेटो कंट्रीज हैं वो भी अमेरिका के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि भारत को F-35 मिलना चाहिए। चाइना और रशिया सिर्फ अमेरिका के लिए खतरा नहीं बल्कि सभी नेटो कंट्रीज के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो आने वाला समय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मुझे पूरा यकीन है कि भारत को F-35 टेक्नोलॉजी ज़रूर मिलेगा। दोस्तों आप लोग की क्या राय है इसे लेकर कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद।